ये है आज की बड़ी अपडेट। जापानी न्यूज़ की आ रही है कि ब्राजील ने भारत की कोवैक्सीन ट्रायल पर लगाई रोक। जी हां स्टॉक, बता दें भ्रष्टाचार के आरोप के बाद भारत बायोटेक ने ब्राजील के पार्टनर के साथ कोवैक्सीन की डील खत्म कर दी है। आपको बता दें भारत बायोटेक के इस कदम के बाद ब्राजील ने अपने देश में कोवैक्सीन की ट्रायल पर रोक लगा दी है। दोस्तों न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार ब्राजील ने भारत बायोटेक की कोरोना रोधी टीके कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल निलंबित कर दिया है। दोस्तों ब्राजील के स्वास्थ्य नियामक ने बताया है कि उसके साझेदार के साथ कंपनी का समझौता समाप्त किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। दोस्तों भारत बायोटेक ने कहा है कि वैक्सीन की वैश्विक कीमत 15 से 20 अमेरिकी डॉलर के बीच निर्धारित की गई थी और इसके अनुसार ब्राजील सरकार को 15 अमेरिकी डॉलर प्रति डोज के दर से जैब की पेशकश की गई थी। कंपनी ने कहा है कि उसे कोई भी एडवांस पेमेंट नहीं मिला है, न ही ब्राजील में स्वास्थ्य मंत्रालय को कोई टीका की आपूर्ति हुई है। दोस्तों ब्राजील सरकार के साथ वैक्सीन की 20 मिलियन डोजेस की आपूर्ति के लिए हुआ समझौता विवाद में आ गया और यह जांच का विषय बन गया, इस वजह से MOU समाप्त कर दिया गया। दोस्तों आपको न्यूज के ऊपर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आप ऐसी न्यूज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत।